बोलिए अंबे मात की जय। वडोदरा में करोड़िया नामक गांव है, गोरवा के पास। वहां पे एक मसाणी माता का मंदिर है, जिसको गुजराती में कहते हैं मोहोणी माता। वहां पे प्रतिवर्ष विशाल संख्या में भंडारा होता है, निशुल्क भंडारा। यानी कि ये एक ऐसा भंडारा है जिसके लिए किसी प्रकार का चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता। अपनी स्वेच्छा से लोग दान प्रदान करते हैं और उससे ये भंडारा होता है। ये होता है चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन, यानी कि चैत्री नवरात्रि जब होती है और अष्टमी का दिन आता है, उस दिन ये भंडारा किया जाता है। करोड़िया के गांव के कॉमन प्लॉट में ही ये भंडारा किया जाता है और यहाँ पे विशाल मात्रा में हवन भी किया जाता है। तो दूर दूर गांवों के लोग यहाँ पे भंडारे में भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। और कितना विशाल भंडारा है, आइए देखते हैं कुछ झलकियां। आज चैत्र शुक्ल अष्टमी है और ये विशाल भंडारा हो रहा है। आठवां भंडारा है ये, यानी कि बीच में कोरोना के कारण 2 साल नहीं हो पाया था, तो जब से शुरू हुआ है 8वीं बार ये भंडारा हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। कितनी अपार श्रद्धा है माता के प्रति, इसलिए लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने आप को धनभागी बनाते हैं। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। एक जगह थालियां रखी हुई है, वहां से अपनी अपनी थाली लेकर फिर काउंटर बने हुए हैं, 20 काउंटर। वहां काउंटर पर जाते हैं और वहां से भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर एक जगह बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद थालियों के धोने का स्थान एक जगह निश्चित किया हुआ है, वहां पे थालियां धोने वाले भी सेवाधारी रखे हुए हैं। वहां पे वो थालियां धोते हैं, फिर वहां से थालियां उठाकर सेवाधारी लाके एक बीच में टेबल रखा हुआ बड़ा काउंटर वहां रख देते हैं। प्रेम भाव से सभी एक दूसरे, ये देखिए ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर से भोजन सप्लाई किया जा रहा है। बड़े बड़े तपेलों में रखकर सभी 20 काउंटर पर भोजन भेजा जा रहा है। सभी लोग आपस में मिलते हैं, जय माता जी बोलते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है सनातन संस्कृति में, तो लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। इससे प्रेम भाव भी उमड़ता है और एक प्रसन्नता मिलती है मन को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करते हैं हवन में। यहाँ पे नीचे बिछाया हुआ है और आराम से लोग बैठ के भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, ये देखिए थालियां रखी हुई है बहुत सारी। यहां से थालियां लेके फिर भोजन काउंटर पर जाएंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। दोबारा चाहिए तो भी आप दोबारा से भी ले सकते हैं। इस प्रकार का ये भंडारा है। सभी के सहयोग से सनातन धर्म के, सनातन प्रेमी जनता के लिए ये भंडारा माता जी की कृपा से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। वडोदरा शहर में करोड़िया नामक स्थान पर माता जी का मंदिर है। इस भंडारे में विशाल मात्रा में भोजन प्रसाद तैयार किया जाता है और ट्रैक्टर से सप्लाई किया जाता है। तो 20 काउंटर इसके बनाए गए हैं, 20 पूरे मैदान में अलग अलग जगह 20 जगह भोजन पर आप ग्रहण कर सकते हैं। और मैदान के बीच में थालियां रखी गई है और धोने की व्यवस्था अलग रखी हुई है, तो पीने के पानी की भी व्यवस्था है, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था है। तो कितना विशाल भंडारा है हमारा। जय हो सनातन धर्म की, जो यहाँ पे निःशुल्क भाव से, सेवा भाव से लोग सेवा करने के लिए भी यहाँ इकट्ठे होते हैं। मैंने सेवाधारी है, सेवा कर रही है। आप कितनी बजे से सेवा कर रहे हो यहाँ पे? कितने बजे से कर रहे हैं? मैं तो अभी 7 बजे। 7:30 बजे से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सेवा करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये सनातन संस्कृति के हमारी बहनें कितनी सेवा कर रही है और कितने बजे तक आप सेवा करोगे? हम लोग 10:30-11 बजे तक। ओहो, हमारे रहेंगे तब तक। अच्छा, जब बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। तो ये चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन हर साल यहाँ पे भंडारा होता है।
आप देख रहे हैं कई लाख लोग यहाँ पे भोजन प्रसाद ग्रहण करके जा रहे हैं और व्यवस्थित रूप से सब अपने अपने अनुशासन के अनुसार बैठ के भोजन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइन में खड़े रहकर भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की नहीं और सेवाधारियों के मुख पर भी प्रसन्नता है। बड़े बड़े तपेलों में भोजन रखा जाए और परोसा जा रहा है, सबको जय माता जी बोलकर भोजन परोस रहे हैं, आनंदित हैं सभी लोग। यही एक सनातन धर्म की खूबी है कि कई जगह भंडारे होते हैं, जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थलों पे आप जाएंगे कई जगह भंडारे होते हैं, आप भोजन वहाँ पे प्रसाद के रूप में मुफ्त पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सेवा कर रहे हैं, बड़े आनंदित हैं बच्चे। देखो देखो देखो, भंडारा जिस मैदान पर होता है वहां पे मेन गेट पर एक माताजी का स्थान दर्शन करने के लिए भी बनाया है। हालांकि मंदिर थोड़ा सा अलग है, लेकिन भंडारे के वहां भी माताजी का स्थान, तो लोग दर्शन करके फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये भंडारे की जगह पर माताजी का स्थान बनाया है, यहाँ पे सभी दर्शन करके फिर भंडारा भोजन करने जाते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अब हम आ गए हैं मेन मंदिर में, मसाणी माता का मंदिर जो करोड़िया में, वहां आ गए हैं और ये मंदिर का दृश्य। मंदिर में दर्शन करने के लिए सभी भक्त लोग लाइन में लगे हुए हैं। माताओं बहनों की लाइन अलग है और पुरुषों की लाइन अलग है। हवन की अग्नि देवताओं को आप देख पा रहे हैं, हवन हो रहा है पीछे और ये मंदिर का दृश्य है। व्यवस्थित रूप से सभी लोग दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े रहकर दर्शन कर रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं, किसी कोई जल्दबाजी नहीं, सभी सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि स्वयं के अनुशासन में रहते हुए श्रद्धापूर्वक दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आज अष्टमी है, हर अष्टमी को हवन होता है, यहाँ पे हवन हुआ है और ये जो अग्नि देवता को आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हवन का कार्यक्रम हुआ था और यहाँ जो भी नारियल हवन में भेंट चढ़ाना चाहते हैं वो लोग नारियल यहाँ रखते हैं। बड़ा सुहावना दृश्य लगता है माताजी के प्रांगण में, कई लोगों की मनोकामनाएं इस मंदिर में पूरी होती है, दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे एक बड़ का बहुत बड़ा बहुत पुराना पेड़ है और नज़दीक में ही तालाब भी है। यहाँ पे देखिए एक हवन कुंड इधर भी है, यहाँ भी हवन हुआ है। ये जो देख रहे हैं ये नए मंदिर की शिला रखी गई है, यानी कि यहाँ पे शीघ्र ही नया मंदिर बनने वाला है, तो आप इस शिला का दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें, शीघ्र ही ये काम शुरू हो जाएगा और थोड़ा मंदिर का जीर्णोद्धार होगा और ऊंचाई पर मंदिर को बना दिया जाएगा। अभी मंदिर थोड़ा नीचे है, इसके लिए यहाँ पे आज शिला का भी मुहूर्त हो गया है। आपको अगर कोई दान दक्षिणा रखनी हो तो यहाँ पेटी रखी हुई है, स्वेच्छा से दान रख सकते हैं। मसाणी माता का मंदिर है, ये बड़ा चमत्कारिक मंदिर है। वैसे हर रविवार को यहाँ मेला लगता है, कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और लोग स्वेच्छा से दान भी प्रदान करते हैं। तो अभी ये इस अष्टमी के दिन मंदिर के नए मंदिर की शिला रखी गई, इस मंदिर को पूरा जीर्णोद्धार करके नया मंदिर बनाया जा रहा है, विशाल मंदिर बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। ये लिखा है जय श्री महोणिमा, गुजराती में लिखा है आठमो महाभंडारो, तो ये आठवां भंडारा है।